आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एकदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बंधुओं, पिछली बार हमने वज्रासन के ऊपर बात किया था और वज्रासन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं, हमारे पाचन तंत्र पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हमने बात किया था। एक बात रह गई थी कि जब हम वज्रासन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र कैसे एक्टिव होता है, वो हम पिछली बार आपको नहीं बताया था। ऐसा कहा जाता है कि हमारे नितंबों के ऊपर ब्रज नाड़ी है। जब हम वज्रासन पर बैठते हैं तो हमारा हील हमारे ब्रज नाड़ी से कनेक्ट हो जाता है। उसके कारण हमारा ब्रज नाड़ी एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण हमारे ब्रज नाड़ी का संबंध हमारे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से है। बड़ी आंत में होने के कारण हमारा पाचन तंत्र इसको करने से दुरुस्त हो जाता है। और पिछली बार का विशेष बात था कि जिन लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते उन लोगों को आसान तरीके से हम किस प्रकार बैठकर हम वज्रासन का लाभ दे सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। अब दो बातें हैं कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं ना। अगर आप अभी वज्रासन में बैठ के देखिए, आंखें बंद करके, क्या हमारा घुटना पूरी तरह स्ट्रेस फ्री है क्या? मैं आपको आधा मिनट देता हूँ, आधा मिनट तक पूरा ध्यान अपने घुटनों पे लगा लीजिएगा वज्रासन में। क्या आपका घुटना 100% फ्रीनेस है? हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। क्या आपका घुटना पूरी तरह स्ट्रेस फ्री है? नहीं है ना। तो उसको हम स्ट्रेस फ्री करने के लिए हम आज कुछ प्रयोग करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम काम चलाओ सरकार बोल सकते हैं ना। एक दूसरी बात, जब हम वज्रासन में बैठते हैं प्यारे मित्रों, तो हमारा जोर कहाँ आता है? हमारे इस जगह पर ज़्यादा जोर आता है, क्योंकि उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, यहाँ की मांसपेशियाँ कमजोर इस प्रकार से आता है। उसके लिए मैं बहुत आसान तरीका, देखिए इस तरह का ब्लोस्टर, देखो इस तरह का ब्लोस्टर है ना, इसको अगर हम अपने पैरों के नीचे रखेंगे तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। देख लीजिएगा, ये है, मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। अब मैं कैसे बैठता हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। और हमारे सुधीर बेटा भी देखेंगे, ये आपने अपने घुटनों के नीचे ऐसे रखा और इस ये आपने पैर मिला दिया ऐसा। नाउ सिट इन द डिफरेंस इज नाउ। अब आप देखिए, मैं एकदम आराम से बैठ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ? जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बोला था, इसके बिना हम लोग कैसे बैठ पाते हैं? ऐसे बैठते हैं तो ये हमारे एरिया थोड़ा बाहर की तरफ जाते हैं। पिछली बार चर्चा में हमने बात किया था कि अगर हमारी एरिया मिली हुई रहेंगी तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब हालांकि खोल के भी होता है, मिली हुई होने से ज्यादा कंफर्टेबल होगा। जब हम इस प्रकार का मसनद काम में लेते हैं राउंड, तब हम जब इसके ऊपर बैठते हैं सुधीर बेटा, तो आप महसूस कर सकते हैं सुधीर बेटा हमारे साथ कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस ना। अब कैसा हुआ, एकदम कंफर्ट हुआ ना आपको? तो हम इस प्रकार से बैठ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरा घुटना इतना भी नहीं मुड़ता, उस कंडीशन में देखिए ये इस प्रकार से आपने, आपके घर में पीलो है ही ना, सबके घर में पीलो है, मतलब तकिया, उसके हमारे काफ मसल्स और थाई मसल्स के बीच में इस पीलो को रख दीजिए। अब देखिए, अब बैठकर कैसा लग रहा है? अब कोई जोर है क्या? एकदम फ्रीनेस है कि नहीं? फ्रीनेस है। आपको लगता है कि इतना भी मेरा फोल्ड नहीं हो सकता, तो हम इसके ऊपर और थोड़ा सा हाइट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बैठेंगे, अब देखिएगा, अब आप देखें आपका घुटना भी फ्री हो गया और आप आराम से बैठ सकते हैं। तो जो आप मुझे कह रहे थे कि गुरुजी हम बैठ नहीं पाते, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रकार का पीलो तकिया सबके घर में है और इस तरह का ब्लोस्टर, आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास ब्लोस्टर नहीं है, व्हाट कैन आई डू? तो बात ब्लोस्टर का नहीं है, बात ब्लोस्टर का नहीं है। हम लोग इस प्रकार के जैसे बेडशीट हैं, चादर हैं, कंबल हैं, उसको हम लेकर के हम उसको रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपने ये रोल किया, ठीक है, तो ऐसे ब्लोस्टर आप अपने आप बना सकते हैं।
मैं चाहता हूँ कि बिना खर्चा के आप घर बैठे बैठे घर के प्रसाधन से अपना काम करें। देखिए इस प्रकार से आपने बना लिया, ठीक है। आप डिपेंड करता है कुछ हाइट में छोटे हैं बड़े हैं, तो छोटा मोटा हम लोग कर सकते हैं। ये हमने इस प्रकार से साइड में रख दिया, इसको हम लगा सकते हैं, ये हमने लगा दिया इस प्रकार से। लेकिन देखिए सो हम लोग तो घर पर जो भी चीज़ें हैं उन व्यवस्थाओं को आप देख के घर पर भी बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट में जाके लें या मेरे पास आके मंगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? तो ऐसा करके आप वज्रासन में बैठ के वज्रासन का फ़ायदा लुप्त उठा सकते हैं और अपने पाचन तंत्र को क्या कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से करते हैं मित्रों, तो हमारा एनस भी लॉक होता है, इसको बोलते हैं मूलबंध का भी हमको फ़ायदा मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने लाइफ में उतारें और कोशिश करें खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठकर आपस में वार्तालाप करें। परिवार के साथ भी हो जाएंगे और आपके वार्तालाप भी हो जाएंगे, नहीं तो बहुत ही अच्छा। आप ध्यान करें, वज्रासन में बैठें, आंखें बंद करें और आते जाते श्वास को देखें। वैसे भी मैंने आप लोगों को ध्यान करने के बहुत सारे बहुत ही सहज तरीके बताए हैं, जिसके मेडिटेशन एनीवेयर, ध्यान कहीं भी कैसे भी, ध्यान एनीवेयर, ऐसे कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए भेजता रहता हूँ और आने वाले समय में भी भेजता रहूँगा, ताकि आपको ध्यान के लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। सो प्यारे मित्रों, ये था वज्रासन के बारे में। आपके मन में कुछ भी डाउट्स हो हेल्थ से रिलेटेड, आसन से रिलेटेड, जो आपको क्रियाएँ या प्राणायाम बताता हूँ उससे रिलेटेड, आप निसंकोच होकर कमेंट्स करें। कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे पीछे उनका जवाब देने का और आपको सही चीज़ों का मार्गदर्शन करने का। आप सभी का बहुत बहुत आभार अगेन। आप खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आप सभी को हमारा सत सत नमन।